हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O, द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज है इसका लेक्चर नंबर 4, जहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम कुछ अपने बेसिक्स को बिल्डअप कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में भी हमने यही किया था। हमने अंडरस्टैंड किया था कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस को अगर हम ले लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैटर बनेंगे। मैटर किसका बना हुआ होता है, एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, और एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखे, और हमने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई भी किया। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के बाद लेक्चर नंबर 3 में अंडरस्टैंड किया कि जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, तो उन कंपाउंड्स को कैसे फॉर्म करना है, क्या होता है उस फॉर्मेशन के अंदर, और उन केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूली अभी हमें लिखने बाकी हैं। उन फॉर्मूली को लिखने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज वैलेंसी के बारे में बताया था, और उस वैलेंसी को एक एटम के राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे लिखने से हमने उनके आयंस बनाए थे। सो वो सब चीजें आपको, अगर आपने नहीं पिछले लेक्चर में देखी हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आज का लेक्चर देखने से पहले आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा हो। तो आज के इस लेक्चर में उन एटम्स के सिंबल्स को यूज करके, उन वैलेंसीज को यूज करके जो हमने आयंस बनाए थे, आज हम उन आयंस को कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करने वाले हैं, और उन कंपाउंड्स के केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारी जर्नी दोबारा से शुरू होगी अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर की। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी कहाँ पे डेडिकेटेड होगा, बिल्डिंग अप द बेसिक्स फॉर द स्टडी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हुए कि कॉमन सॉल्ट एक सब्सटेंस है, और किसी भी सब्सटेंस को हम मैटर बुलाते हैं, राइट? और ये सब्सटेंस कैसी है? वेल, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये एक वो कंपाउंड है जो कि एक मेटल और नॉन मेटल से बना है, जो दो एलिमेंट से बना है। कौन से दो एलिमेंट से बना है? वेल, ये बना है सोडियम और क्लोरीन से। और जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वेल क्या फॉर्म करते हैं? वेल, ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल फॉर्मूली, बिल्कुल जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड द कॉमन सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला NaCl। ठीक है, तो Na सिंबल है सोडियम का, क्लोराइड के लिए हमने Cl यूज किया जो कि क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल है। हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, राइट? जैसे कि हम और भी कंपाउंड्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आप वाटर को बहुत कॉमनली लिखते हो, एंड दैट इज H2O, एंड दिस इज माय फेवरेट आल्सो, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है H2O केमिस्ट्री। तो वेल, ये जो H2O है, इसमें तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा, ये NaCl में 2 क्यों नहीं कहीं पे आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया? तो वेल, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कि इन एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, जिसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। एंड वंस आप लोगों ने उन सारी वैलेंसीज को याद कर लिया हो, जो कि मैंने आपको कहा था कि दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर यू, कि आप लोगों ने सारी की सारी वैलेंसीज को, आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी मैंने आपको कहे थे, उनको उनके आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने वो काम कर लिया है तो हम तैयार हैं टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूली ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सो व्हाट आर केमिकल फॉर्मूली? वेल, केमिकल फॉर्मूली मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, द केमिकल फॉर्मूली ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वॉटर हैज द केमिकल फॉर्मूला H2O, द टेबल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, दिस हैज द केमिकल फॉर्मूला NaCl। तो हमने इनको कैसे लिखना है, ऐसे ही इसी पर्टिकुलर फैशन में हम उसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये अब हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर अ स्मॉल लिटिल रूल्स टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूली।
ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब भी हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं तो जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, उनकी जो वैलेंसीज होते हैं या उनके जो चार्जेस होते हैं आयंस पे, दे मस्ट बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो एज अ होल एक मॉलिक्यूल होगा या एक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, दे आर न्यूट्रल। ओके, देन अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो हम नेम ऑफ द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है। इसीलिए हमने सोडियम को पहले लिखा है, नॉन मेटल को बाद में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम जब केमिकल फॉर्मूली भी लिखेंगे तो उसमें भी हम मेटल का नाम पहले सिंबल पहले लिखेंगे और नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे, क्लोराइड के लिए हम क्लोरीन का Cl लिखेंगे। तो हर एक कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल और नॉन मेटल हो, उसमें आपको क्या करना है? पहले मेटल लिखना है, फिर नॉन मेटल लिखना है, चाहे वो उसका नाम हो, चाहे वो उसका केमिकल फॉर्मूला हो। अनदर एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे नाम लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो पहले हम क्या लिखेंगे? हम पहले कैल्शियम का Ca लिखेंगे, फिर ऑक्साइड का ऑक्सीजन लिखेंगे। ओके, अनदर एग्जांपल वी हैव आयरन सल्फाइड, तो हम पहले क्या करेंगे? आयरन लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे और फिर सल्फाइड के लिए सल्फर का सिंबल लिखेंगे। तो हमेशा पहले सबसे पहले मेटल लिखना है और फिर उसके बाद नॉन मेटल का सिंबल लिखना है। ठीक है, एक और रूल है कि अगर हमारे पास कंपाउंड रेडिकल्स हो या पॉलीएटॉमिक आयन हो। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन का मीनिंग क्या है? वेल, पॉलीएटॉमिक आयन मैंने आपको पिछली बार बस सिखाए थे कि पॉलीएटॉमिक आयन मतलब वो आयन जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, मगर दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट? तो उनको अगर आपके पास फॉर्मूला में एक कंपाउंड रेडिकल हो, तो आपको उसको हमेशा रेडिकल को ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना हो, तो मैग्नीशियम मेरा मेटल है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होता है? माइनस वन चार्ज होता है, वो मेरा नेगेटिव आयन है, इसलिए वो नाम में पीछे जाता है और मैं OH को ब्रैकेट में लिखूंगी। ये टू क्यों आया? ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज से आया, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। बट वेल, अब आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये एक कंपाउंड रेडिकल है और कंपाउंड रेडिकल को आपको बाय रूल ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, बट इन केस ये पॉलीएटॉमिक आयन का जो नंबर है वो वन है, ये जो ब्रैकेट के बाहर हमने टू लिखा ना, इसका मीनिंग ये है कि इस कंपाउंड के अंदर एक मैग्नीशियम के साथ दो OH कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? टू होती है, राइट? उसके दो हाथ होते हैं, एक हाथ से वो एक साइड पे हेलो कर सकता है, दूसरे हाथ पे दूसरे साइड से हेलो कर सकता है, और दोनों OH से हेलो कर रहा है, राइट? तो मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी थी टू, इसलिए उसने दो OH ग्रुप्स के साथ हैंडशेक किया। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर, फाइन? ओके, सो हमारे पास क्या है? हमारे पास है OH होल ट्वाइस। तो आपको ये, अगर ये होल ट्वाइस ना हो, ये सिर्फ एक ही होता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे NaOH लिखना है, तो NaOH में एक सोडियम के साथ एक OH ही कंबाइन कर रहा है, तो उस केस में आपको उस ब्रैकेट को लिखने की फाइनल फॉर्मूला में जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर तो वन है तो ब्रैकेट नहीं लिखनी है, अगर वन से ज्यादा आ रहा है फॉर्मूला में तो आपको उस ब्रैकेट को रखना है। ठीक है, क्यों रखना है ये भी अभी आपको समझाऊंगी। So how are we going to write down a chemical formula of a substance? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें सिंबल लिखने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के या रेडिकल्स के साइड बाय साइड, कीपिंग द बेसिक रेडिकल द पॉजिटिव आयंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द एसिड रेडिकल और द नेगेटिव आयन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, क्या ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है।
ठीक है, तो मैंने कहा जो पॉजिटिव आयन होते हैं हम उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अंडरस्टैंड दैट हमारे पास है एग्जाम्पल NaOH का, ये क्या है, दिस इज अ बेस। बेस हमें क्या देता है, OH आयन्स देता है। OH आयन्स के अलावा क्या देगा, वेल वो हमें देगा Na पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, OH तो देना ही देना है बेस ने, जो दूसरा आयन है वो क्या देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा आयन हमें बेस से मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, और इस पे आप देख सकते हो कि क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कैटायन बोलते हैं, राइट। तो कैटायन बोला या पॉजिटिव आयन बोला या बेसिक रेडिकल बोला एक ही बात है, क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है, ये हमें बेस से मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं एसिड रेडिकल की बात करूंगी तो वो क्या होगा, वेल वो हमें एसिड से मिलेगा, एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है HCl। तो HCl में क्या होता है, एसिड कैसे हुआ, अगर वो H पॉजिटिव आयन्स देता है। ठीक है, H पॉजिटिव के बाद होगा क्या कि हाइड्रोजन का एटम था, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाइड्रोजन का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तभी वो H पॉजिटिव बना था, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वेल वो क्या हुआ, वो क्लोरीन के पास चला गया। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये Cl नेगेटिव बन गया। इस तरीके से हमारे पास HCl में क्या है, HCl टूट के क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें एसिड से H पॉजिटिव तो मिलना ही है, दूसरा रेडिकल क्या मिल रहा है हमें, हमें एक नेगेटिव रेडिकल मिल रहा है, एक नेगेटिव आयन मिल रहा है, जिसे हम एनायन भी बोलते हैं, उसे हम एसिड रेडिकल भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें एसिड से मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें जब भी फॉर्मूला लिखना है तो हमें पॉजिटिव आयन को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के नेगेटिव आयन को राइट हैंड साइड पे रखना है, या सिंपल टर्म्स में अभी हमने किया था कि मेटल को पहले रखना है, नॉन मेटल को बाद में रखना है, वही बात बोल रहे हैं हम यहाँ पे। बट मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जिनसे हम इनको बुलाते हैं आयंस को सब बता दिए हैं, सो दैट कि आपके क्वेश्चन में कुछ भी आए आप लोगों को मालूम हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का सिंबल लिखेंगे, फिर हम क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल इनके ऊपर इनके चार्जेस को लिखना है। ठीक है, मगर उससे पहले अगेन दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर आपके पास एक कंपाउंड रेडिकल हो तो आपको उस कंपाउंड रेडिकल को ब्रैकेट में रखना है। ना तो सोडियम एक कंपाउंड रेडिकल था, ना क्लोरीन एक कंपाउंड रेडिकल था, ये सिंपल रेडिकल्स थे एक ही एटम वाले। मगर अगर सल्फेट आ गया तो सल्फेट को आप ब्रैकेट में रखोगे जब आप यहाँ पे उसका सिंबल लिखोगे। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हर एक रेडिकल की वैलेंसी लिखनी है ऑन द राइट हैंड टॉप। ठीक है, राइट साइड पे टॉप पे हमने उसकी वैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस वन, और क्लोरीन की क्या होती है, माइनस वन। ठीक है, तो सोडियम को मैंने लिख दिया Na प्लस और क्लोरीन को लिख दिया मैंने Cl माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हमारे पास वैलेंसीज दोनों रेडिकल्स की ऐसे हो जो कि डिविजिबल हो बाय अ कॉमन फैक्टर, तो हमें उन वैलेंसीज को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम और सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है प्लस टू, सल्फेट की होती है माइनस टू। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है टू, तो हम इन दोनों को टू से कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को टू से कैंसिल करके हम लिखेंगे सी ए प्लस और एसओ फोर माइनस। ठीक है, तो अगर आपके रेडिकल्स की जो वैलेंसीज है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर को प्लीज काट दीजिए। ठीक है, उसको उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके फिर उसके बाद वो चार्ज लिखिए, सो दैट नाउ वी कैन राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन्वर्ट या क्रिस क्रॉस करनी है द वैलेंसी नंबर ऑफ द टू रेडिकल्स एंड राइट द वैलेंसी ऑफ वन एटम बिलो द अदर एटम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम के लिए मैं क्या यूज करूंगी, वैलेंसी प्लस थ्री, सल्फेट के लिए माइनस टू।
ठीक है, इसके अंदर क्या कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इसको क्रिस क्रॉस करनी है वैलेंसीज को। वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के पैर में राइट साइड पे ही आपको सल्फेट की वैलेंसी लिखनी है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2। तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। ये चार्ज नहीं लिखता, ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, बट सिर्फ जो नंबर है वो लिख देना है। तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज था 2, आपने एल्युमिनियम के पैर में राइट साइड पे उसको 2 लिख दिया, और सल्फेट के ऊपर क्या, सल्फेट पे क्या लिखोगे? 3, क्योंकि एल्युमिनियम क्या था? वैलेंसी 3। ठीक है, प्लस माइनस साइंस को नहीं लिखना, सिर्फ जो नंबर है वो ऑपोजिट आयन के पैर में लिख देना है, राइट। तो एल्युमिनियम के पैर में सल्फेट का नंबर और सल्फेट के पैर में एल्युमिनियम का नंबर, और ये हमारा अब जोड़ देंगे इसको तो बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे जस्ट मिनट, अगर हम यहाँ पे इसको केमिकल फॉर्मूला इसका लिखना है, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे, Al2SO4 thrice. So this is aluminium sulfate. अगर हम ऊपर वाला कैल्शियम का लिखेंगे तो कैल्शियम का भी क्रिस क्रॉस करना है तो वो क्या बन जाएगा? CaSO4. I'll just put that again once. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर है कि अगर इंटरचेंज करने पे आपकी वैलेंसी 1 आ रही हो तो उस फिगर को आपने नहीं लिखना, जैसे कि इस केस में आ रही है ना 1 1, तो वो 1 1 को यहाँ पे आपने ब्रैकेट में डाल के 1 1 नहीं लिखना। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड था तो सोडियम और क्लोरीन पे वैलेंसी कितनी है? 1 1 है, तो आपको उसको क्रिस क्रॉस करके 1 1 लिखोगे, मगर उसको जब फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं 1 और यहाँ पे भी लिख दूं 1, तो जब वो फाइनल फॉर्मूला लिखोगे तो उसके अंदर उस 1 1 को आपने नहीं लिखना। ठीक है, सो अगेन लेट अस पुट डाउन ऑल दिस प्रॉपरली। सोडियम क्लोराइड के लिए हमें क्या करना है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पहले सिंबल लिखना है, फिर उसके ऊपर उनकी वैलेंसी लिखनी है, फिर आपने उसको क्रिस क्रॉस करके वो चार्जेस को ऑपोजिट एटम के पैर में लिख देना है ऑन द राइट हैंड साइड, और फिर फाइनल फॉर्मूला इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड इज NaCl। कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या करेंगे? Ca+2 लिखेंगे, SO4 2 माइनस लिखेंगे, अगेन क्रिस क्रॉस, पहले सॉरी इसके अंदर कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर था 2, तो Ca+ लिखा, SO4 माइनस लिखा, फिर उसके बाद हमने इसका क्रिस क्रॉस किया, कैल्शियम के पैर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सल्फेट के पैर में भी 1 आएगा, तो 1 1 तो हमने लिखना है नहीं, और अगर 1 ही था तो सल्फेट की ब्रैकेट भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया? कैल्शियम सल्फेट लाइक दिस ओवर हियर। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज याद रखना कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था रूल्स के अंदर कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, सो दैट द ओवरऑल स्ट्रक्चर दिस मस्ट बी न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे देख सकते हो Na के ऊपर कितना चार्ज है? +1। Cl के ऊपर कितना है? -1। दोनों प्लस और माइनस का नंबर इज कैंसलिंग आउट ईच अदर, एक साइड +1, एक -1। अगर अब इधर देखोगे तो दिस इज कैल्शियम +2 एंड दिस इज -2, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड द चार्ज इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। सो हर एक रेडिकल में क्या होना चाहिए है? चार्जेस बराबर होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट द होल स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल, राइट। सो नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस दे विल नॉट बी इंडिकेटेड। ठीक है, तो आपको जब पैर में लिख रहे हो तो चार्ज नहीं लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ नंबर्स आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अगेन एल्युमिनियम सल्फेट का। तो एल्युमिनियम सल्फेट में क्वेश्चन भी अभी अराइज करेगा आप लोगों का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे क्रिस क्रॉस करके? वेल Al2SO4 3, और इसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहाँ पे तो +3 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है, तो ये चार्जेस बराबर कैसे हुए? ये तो चार्ज बराबर नहीं हुए। नहीं, मगर अब आप चार्जेस को कैसे देखोगे? आप चार्जेस को फॉर्मूला में देखोगे, हर एक चार्ज को आपको एक्चुअली में उसको फॉर्मूला में देखना है। यहाँ पे हमारे पास है 2 एल्युमिनियम के एटम और एक एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है? +3। सो आपको क्या करना है? 2 × +3, सो दैट इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? -2, और कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, दैट इज 3। So this will be 3 × -2, so this is also going to be equal to 6 with a minus sign. So 6 minus 6, again it will be 0.
ठीक है, तो चार्जेस को कहाँ पे बैलेंस करना है, आपको उसके केमिकल फॉर्मूला में बैलेंस करना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्लस उसके ऊपर जितना चार्ज है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरे नेगेटिव आयन के देखो और ये चेक करो कि क्या आपने फॉर्मूला सही लिख दिया। आपके पास चार्जेस का नंबर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपने केमिकल फॉर्मूला सही नहीं लिखा। All right, so please the positive and the negative charges, they must balance each other and the overall structure must be neutral. And you will again don't remember charges ko humne nahi likhna. ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप खुद से एक बारी वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो और इसका फॉर्मूला लिखो। So, अगर अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो अब हम देखें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखेंगे, फिर उनके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हम उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। तो हमने लिखा कैल्शियम प्लस टू और हाइड्रोक्साइड का माइनस वन, और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में ही रख के ऊपर चार्ज लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस करेंगे। तो क्रिस क्रॉस करने के बाद आपको उनके चार्जेस के वाले नंबर्स को ऑपोजिट साइड पे ले जाना है, राइट। तो कैल्शियम के ऊपर कितना आएगा, हाइड्रोक्साइड का वन, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना आएगा, कैल्शियम का टू। और अब आप इनको कंबाइन करके लिख दोगे। अब अगर आपने यहाँ पे, क्योंकि बाहर इसके टू है तो आपने इस ब्रैकेट को रिमूव नहीं करना, अगर ये वन होता तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते थे। तो अब हम इसको इकट्ठा करके कैसे लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप पूछोगे कि मैम हमने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, राइट, उसका रीजन क्या है। तो वेल, उसका रीजन ये है कि अगर हम ब्रैकेट को यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो भी इस ब्रैकेट में है उसके जितना ये नंबर बाहर है उसके उतने आयंस है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाद टू लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके दो आयन हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लिखती हूँ, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट ना लिखूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, CaOH2। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वेल मेरे पास क्या है, CaOH2। मैंने इसको ऐसे लिखा, इसका मीनिंग बनेगा एक इसके अंदर कैल्शियम का एटम है, एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है और दो इसमें हाइड्रोजन के एटम है। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, है कैसा, वेल हमारे पास है कैल्शियम और दो OH आयंस। दो OH आयंस का मतलब क्या होगा, एक कैल्शियम है, दो OH आयंस में दो ऑक्सीजन के एटम होंगे और दो हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का एटम एक ही आ रहा है, हमें तो दो चाहिए थे, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा एक पॉलीएटॉमिक आयन में अगर वन ना हो बाहर तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखेंगे, सो दैट कि अब गलती नहीं करें। सो आई होप आप लोगों को ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपको पॉलीएटॉमिक आयन को कहाँ पे रखना है, हमेशा एक ब्रैकेट में रखना है, अनलेस उस ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर है दैट इज वन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला गिवन हो तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, राइट। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नाम दिया जा सकता है, आपको फॉर्मूला लिखना है, या आपको फॉर्मूला गिवन है और आपको उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से पहले आपको होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये होगा कि पिछली बारी में जितने भी हमने टेबल्स लिखे थे उसमें हमने पॉजिटिव आयंस भी लिखे थे, उसमें हमने नेगेटिव आयंस भी लिखे थे। एक एक पॉजिटिव आयन को प्लीज उस टेबल में से उठाओ और उसके फॉर्मूलाज बनाओ जितने भी नेगेटिव आयंस की आपको मैंने लिस्ट दी थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने सबसे पहले कैल्शियम को उठाया है तो कैल्शियम का जितने भी नेगेटिव आयंस थे सबके साथ फॉर्मूला बनाओ, फिर उसके बाद अगला एक और पॉजिटिव आयन उठाया उसको भी सारे नेगेटिव आयन्स के साथ फॉर्मूला बनाओ। एक तो आपको उनसे सारे के सारे वैलेंसीज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और साथ में आपके केमिकल फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब अगली बारी आई कि हमने एक फॉर्मूला से के कंपाउंड को नेम करना है। तो उस केस में सबसे पहला
अगर हमारे पास एक बाइनरी कंपाउंड हो जिसके अंदर एक मेटल है और उसके अंदर एक नॉन मेटल है, तो मेटल का नाम पहले बताया था कि पहले लिखना है और नॉन मेटल का नाम बाद में लिखना है, और नॉन मेटल के पार्ट में हमने एक सफिक्स जोड़ देना है, दैट इज आइड। सफिक्स क्या होता है? जिसे हम एंड में लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? जिसे हम नाम से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सफिक्स जोड़ देना है आइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है KCl और Na2S। K किसके लिए स्टैंड करता है, किसका सिंबल है? दैट इज फॉर पोटेशियम। क्लोर Cl किसका सिंबल है? वेल दैट इज फॉर क्लोरीन। ठीक है, सोडियम इज Na एंड सल्फर इज S। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से मेटल कौन सा है? पोटेशियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम और फिर उसके बाद आएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन का आई एन ई हटा के हमने पीछे क्या लगा दिया? आइड। तो ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड, जैसे हमने पहले सोडियम क्लोराइड किया था। अब यहाँ पे क्या है? सोडियम और सल्फर। तो सल्फर का यू आर हटाया हुआ है यहाँ से और सोडियम सल्फाइड बना दिया। आइड लगाना है आपने हर एक नाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास सपोजिटली दो नॉन मेटल्स हो और आपको उनका नाम लिखना है, तो फिर आप क्या करोगे? वेल उनमें आपको क्या करना है कि आपको प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, मोनो, डाय, ट्राई एटसेट्रा, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे है? ये है सी, ये है ओ, राइट? तो पहले क्या लिखना है? जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है दैट इज कार्बन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या बना देंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने पहले इसमें आइड लगाया था। ठीक है, तो ये लगाया हमने आइड, और अब क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन है इसलिए हमने इसको बना दिया मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? अगेन CO2। तो यहाँ C का क्या लगाया? कार्बन। O का क्या लगाना है? ऑक्साइड। मगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम है, सो दिस बिकम्स डाइऑक्साइड। ठीक है, Here we have SO2, so सबसे पहले क्या लिखा? सल्फर। फिर उसके बाद क्या लिखा? ऑक्सीजन। सो ऑक्साइड बन गया, और क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम है तो डाइऑक्साइड बन गया। PCl5, this is phosphorus। 5 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? पेंटा। सो फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। अब आप ये पूछोगे कि अगर पहले वाले के दो हों तो क्या करेंगे? उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपके पास नाम है N2O3, सो N क्या है? नाइट्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। सो क्या बनेगा? ये बनेगा नाइट्रोजन और ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? दो हैं, तो इसके आगे टू लगा दो, ये क्या बन जाएगा? डाई नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं? तीन हैं, तो इसके लिए ट्राई लगा दो, सो ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो जिसके जितने एटम हैं उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज कर लो। वन के लिए मोनो यूज कर लो, टू के लिए डाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर अगर हो तो उसके लिए आप टेट्रा यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास होता है CCl4। तो C किसके लिए स्टैंड करेगा? कार्बन के लिए, और Cl के लिए हम क्लोराइड यूज करेंगे, और 4 के लिए क्या लगा देंगे? टेट्रा। सो दिस विल बिकम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्लियर आई होप। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं टर्नरी कंपाउंड। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बाइनरी कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स थे। अब हम टर्नरी कंपाउंड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, और उन तीन तरह के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, सो टर्नरी कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे आर नेम्ड विद द सफिक्स 8। इफ देयर आर टू कंपाउंड्स विद द सेम एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, द वन विद द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज गिवन द सफिक्स 8। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास है CO3 2 minus, ठीक है, और आगे मैंने चलो मान लेते हैं कैल्शियम लगा दिया, राइट? सो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फॉर्मूला बनेगा CaCO3, Ca plus 2, CO3 minus 2, दोनों का कॉमन 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे हम, ये क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
अब इसका नाम लिखना है तो क्या किया मैंने, अब मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स है इसमें, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। तो मुझे इसमें जो नॉन मेटल वाला पार्ट है, जो ऑक्सीजन है, जहां पे पहले आया कैल्शियम, फिर आया कार्बन, और कार्बन में मैंने पीछे ऑक्सीजन के लिए क्या लगा दिया, 8। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड हो इन तीन एलिमेंट्स का। बट अगर मेरे पास कंपाउंड का नंबर ज्यादा हो, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं, मेरे पास एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट, सॉरी NaNO2 एंड NaNO3, नाम तो हमने अभी लिखना है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हम किसके पीछे 8 लगाएंगे, किसके पीछे 8 लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि दोनों सोडियम है, तो मैंने इसके लिए सोडियम लिख दिया, मैंने इसके लिए भी सोडियम लिख दिया। ठीक है, फिर मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने उसका क्या लिख दिया, नाइटर लिख दिया, मैंने इधर भी नाइटर लिख दिया। अब कंफ्यूजन आई कि मैं 8 किसके लिए यूज करूं, क्या दोनों को ही हम 8 कहेंगे, नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं उस पे आपने 8 लगा देना है, जिसमें आपके ऑक्सीजन के एटम कम है उसके लिए आपने 8 लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट। जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन के एटम उसके पीछे 8 लगा दो, जिसके पास ऑक्सीजन के एटम कम है उसके पीछे आप 8 लगा दो। ओके, बट अगेन, अब अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड हो जिसके अंदर अब 2 से भी ज्यादा हो, मेरे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, मगर 3 एलिमेंट्स 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, तो अब किसके पीछे 8 लगाएं, किसके पीछे 8 लगाएं। तो वेल, उसके लिए भी हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, कैसे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास ये 4 कंपाउंड हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको गिवन है, एक है NaClO, एक है NaClO2, एक है NaClO3, एक है NaClO4। अब एलिमेंट्स तो सब में 3 ही है ना, सोडियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब किसको 8 लगाना है, किसको 8 लगाना है, और बाकी 2 का क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको जो 8 वाला कंपाउंड है वो याद करना पड़ेगा, या 8 वाला आयन आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो 8 वाला कंपाउंड है वो है ये, ठीक है, या इसमें आप आयन याद कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी ClO3-, ठीक है, -1 चार्ज है इन सब आयंस के ऊपर, ClO- पे भी -1 चार्ज है, ClO2 पे भी -1 चार्ज है, O3 पे भी -1 चार्ज है, और ClO4 पे भी -1 चार्ज है। तो ये हमारे सारे क्या है, आयंस, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे क्या था, NO2 के ऊपर -1 चार्ज और NO3 के ऊपर भी -1 चार्ज, राइट। तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो सोडियम के साथ सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो ये आप NaNO2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपको याद करना क्या है कि इनमें से 8 वाला कौन सा है, तो 8 वाला जो आयन है दैट इज ClO3-। ओके, सो दिस इज क्लोरेट आयन। अब क्लोरेट आयन और सोडियम ने मिलकर कंपाउंड क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोरेट, राइट। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा सोडियम क्लोरेट, मैं यहाँ पे कल्ला क्लोरेट लिख रही हूँ, राइट। अब अगर ये 3 वाले को हमने क्लोरेट बोला तो 2 वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोराइट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास इससे एक ऑक्सीजन कम है, तो क्लोर के पीछे हमने ऑक्सीजन के लिए आइट लगा दिया। अब हमारे पास तो एक और भी है जिसमें इससे भी एक ऑक्सीजन कम है, तो उसके लिए आपको एक प्रीफिक्स में नाम से पहले एक क्या लगाना है, हाइपो। सो दिस विल बी हाइपो ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोराइट। सो ये नाम पूरा क्या बन जाएगा, ये नाम पूरा बन जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम क्लोराइट, सोडियम क्लोरेट। और अब ये क्लोरेट से एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसके लिए भी आपको एक प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज पर। तो ये क्या बन जाएगा, पर क्लोरेट। तो इस तरीके से आप इन आयंस के नाम भी याद कर सकते हो और कंपाउंड्स के भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रही हूँ, एंड आई जस्ट राइट डाउन द प्रॉपर नेम्स।
सो आई होप आपको समझ में आया, आपको क्लोरेट वाला याद किया, उससे एक ऑक्सीजन कम क्लोराइट बन गया, उससे एक ऑक्सीजन कम हाइपोक्लोराइट बन गया, और उस क्लोरेट से एक ऑक्सीजन ज्यादा वो बन गया पर क्लोरेट, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स दैट वी हैव। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं और वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, आपको उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है कि कैल्शियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। कैल्शियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला आप मुझे लिखकर भेजेंगे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें इन कंपाउंड्स के अलावा एसिड्स को और बेसिस को भी नेम करना होता है। तो पहले एसिड्स के नेम देखते हैं। तो एसिड में हमारे पास एक एसिड्स हैं बाइनरी एसिड्स। इन एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो एसिड होंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और एक एलिमेंट और होगा। बाइनरी का मतलब होता है टू, दो एलिमेंट वाला एसिड, उसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा कोई और एलिमेंट है, और ऐसे एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स भी बोलते हैं, ओके। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट होगा उस एसिड के अंदर, तो आपको हाइड्रोजन के लिए यूज करना है हाइड्रो, ओके, और फिर उसके बाद आपको नेम ऑफ द एलिमेंट डाल के उसके पीछे लिखना है एक एसिड, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl एंड वी हैव HBr, तो HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HBr क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, आसान है। उसके बाद X हमारे पास एक और एसिड्स हैं जिनके अंदर पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स हैं, या कह सकते हो कि ये वो एसिड होंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, एक एलिमेंट कोई और होगा और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा। सो कंपल्सरली उसके अंदर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा और एक एलिमेंट और होगा। सो दीज विल बी लाइक दिस, हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन वाले एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। सो इनके नाम में हम क्या करेंगे, हम पहली बात है कि हाइड्रो वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एलिमेंट के नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एसिड का नाम बच जाएगा। एक मिनट, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। हमारे पास क्या है, H2CO3। So H2CO3 is carbonic acid, ठीक है, और यहाँ पे H2SO4 क्या है, sulfuric acid, sulfur उसके पीछे एक लगा दिया और acid बन गया। और ये अब अगेन आपको यहाँ पे भी confusion हो सकती है। Confusion कहाँ पे होगी, अगर मेरे पास acid हो H2SO3, अब आप कहोगे कि इसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन ही है। अगेन इसमें ऑक्सीजन का एक नंबर कम है ना, तो जब वहां पे कम हो नंबर ऑक्सीजन का, वहां पे क्या लगा दो, अस लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल जैसे कि आपको जब मैंने वैलेंसी सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आयरन की एक वैलेंसी क्या होती है, +3, एक होती है +2। +3 वाले को हमने क्या बोला था, हमने बोला था फेरिक, और +2 वाले को हमने क्या बोला था, फेरस, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप बिल्कुल वैसा सही काम करना, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर है ज्यादा उसके लिए आप एक लगाना, और जिसमें ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर कम है उसके लिए आप अस लगा देना, ठीक है, हो जाएगा काम आप लोगों का। अगर और कोई भी नहीं है, जैसे कि H2CO3 है, वो एक ही एसिड फॉर्म करता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो एक एसिड ही रहेगा, राइट। और जो एक एसिड होते हैं ना, वो हमें आयन कौन से देते हैं, 8 आयन्स देते हैं, 8 आयन, राइट। तो H2CO3 से हमें क्या मिलेगा, 2 एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोनेट आयन। तो जो एक एसिड्स होते हैं उनसे हमें एच आयन्स के निकलने के बाद कौन सा आयन मिलता है, 8 आयन मिलता है। अब यहां से क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, है ना। सो दिस विल बी 8 आयन। और अगर मैं H2SO3 की बात करती हूँ तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 H पॉजिटिव मिलेंगे और एक SO3 2 नेगेटिव मिलेगा, तो ये कौन सा आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइड आयन, ठीक है।
तो हमें अस एसिड से कौन सा आयन मिलता है? अस एसिड से हमें आइट आयन मिलता है और इक एसिड से हमें एट आयन मिलता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, आपको आगे पढ़ाई में आपके बहुत काम आने वाली ये सब चीजें हैं जो कि हम हमेशा यूज करते हैं बट अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती। दैट इज व्हाई आई एम बिल्डिंग योर बेसिक्स। Then we have H3PO4. So H3PO4 is going to be phosphoric acid and HNO3 is going to be nitric acid. अगर मैं यहाँ पे H3PO3 लिख दूँ तो उसका नाम क्या होगा? Phosphorus acid, us acid बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे HNO2 लिख दूँ तो उसका नाम क्या हो जाएगा? Again this will be us acid, this will be nitrous acid। ठीक है? So now finally before I conclude the lecture, the naming of the bases is left और वो सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि bases जिसके अंदर OH group present होगा उसके लिए आप suffix use करोगे hydroxide after the name of the metal। तो metal के hydroxides bases form करते हैं, ठीक है? For example NaOH is sodium hydroxide and calcium hydroxide is CaOH whole twice। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आसान है बेसिस के नाम याद रखने, एसिड्स के नाम याद रखने, वेरियस सॉल्ट्स को कैसे हम नेम करते हैं। सो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों ने इन बेसिक्स को जो हमने आपको इस लेक्चर और इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाए थे वो सब समझ में आ गए होंगे और अब हम बहुत आसानी से अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर डालें। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके डाउट्स हमेशा दे आर मोस्ट वेलकम। आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल के भी पोस्ट कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी इज h2chemistry@gmail.com। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।